गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। 79 का पहला वीडियो जिसकी हेडिंग है सम मॉरल सेंटेंसेस, कुछ नैतिकता से भरे हुए वाक्य जो जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं, जिनका जानना भी आवश्यक है। वो हमारे विभिन्न आवश्यकता के समयों में सांत्वना प्रदान करते हैं, दुख की घड़ी में वह संतोष प्रदान करते हैं। नैतिक वाक्य, इसमें अंग्रेजी पहले हिंदी बाद में कर दी गई है, कहीं हिंदी पहले अंग्रेजी बाद में कर दी गई, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। हैप्पी ट्रांसलेशन टाइप का, लेकिन मुख्य इसका मामला है मॉरल सेंटेंसेस। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। अध्ययन में, पढ़ाई में बहुत अधिक समय गंवा देना, व्यतीत करना से बुद्धि कुंठित हो जाती है, आलस्यपन की निशानी हो जाती है, इज स्लॉथ। अध्ययन में बहुत अधिक समय व्यतीत करने से बुद्धि कुंठित हो जाती है, एक तरह से आदमी आलसी बन जाता है। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, और साथ ही साथ बातों में मनोरंजकता लाने के लिए, आकर्षक लाने के लिए उसका अधिक से अधिक प्रयोग बातचीत को बनावटी बना देता है, कृत्रिमता आ जाती है। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन, यह कृत्रिमता है, बनावटीपन है। टू मेक देयर जजमेंट होली बाय देयर रूल्स, आप पूरी तरह किसी कार्य कारण संबंधी निर्णय के लिए नियमों का अक्षरशः पालन करना, टू मेक देयर जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज ह्यूमर ऑफ इस कारण, वह अध्ययता के लिए, पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए हास्यास्पद होता है। यानी लेखक अध्ययन के क्या लाभ है, उसके क्या कार्य है, उसकी उपयोगिता के विषय में वर्णन करते हुए बताता है कि अति किसी भी चीज की बुरी है। उसी से संबंधित यह बात करता है कि बहुत अध्ययन में बहुत अधिक समय भी नहीं गंवाना चाहिए। बातचीत की शैली में बहुत अधिक हमें किताबी ज्ञान का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि हर बात में उदाहरण पेश करते चले जाए, रामायण महाभारत आदि, कि सामने वाले को लगे कि यह बातचीत नहीं कर रहा है, यह अपने ज्ञान का पखंड बना बनावटीपन है। और लास्ट में करा केवल किताबी ज्ञान के आधार पर किसी विषय पर निर्णय कर देना, केवल रूल का अक्षरशः पालन करना, यह एक अध्येता के लिए, अध्ययन करने वाले के लिए हास्यास्पद होता है, ह्यूमर होता है, पाखंड समझिए। उसीने लिखा है टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ, टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन, टू मेक देयर जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज ह्यूमर ऑफ हिज कलर। उसी की हिंदी नीचे डाली गई है, अध्ययन में बहुत अधिक समय व्यतीत करने से बुद्धि कुंठित होती है, बातों में मनोरंजकता लाने के लिए अधिकाधिक प्रयोग कृत्रिमिकता, और पूरी तरह किसी कार्य कारण संबंधी निर्णय के लिए नियमों का अक्षरशः पालन एक अध्येता के लिए, अध्ययन करने वाले के लिए हास्यास्पद होता है। नंबर दो, स्टडीज सर्व फॉर डेलाइट, किताबों के अध्ययन से हमें आनंद प्रदान होता है, प्राप्त होता है, डेलाइट आनंद खुशी, फॉर ऑर्नामेंट, और इससे हमारे बातचीत की शैली में आकर्षण हो उत्पन्न होता है, बातचीत की शैली सुरुचिपूर्ण हो जाती है, एंड फॉर एबिलिटी, और हमारी कार्य करने की कुशलता में वृद्धि भी होती है। यानी अध्ययन के तीन लाभ होते हैं, तीन कार्य होते हैं, अध्ययन से हमें मनोरंजन प्राप्त होता है, अध्ययन से हम बातचीत में अपने आकर्षण ला सकते हैं, ऑर्नामेंट आकर्षण गहना, यानी बातचीत की शैली में आकर्षण आ जाता है, और किसी कार्य करने की क्षमता योग्यता भी हमको प्राप्त होती है पुस्तकों के अध्ययन से। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर आर्नामेंट
एंड पारेबिलिटी। नीचे दिया हुआ अध्ययन से हम आनंद प्राप्त करते हैं, इससे हमारे बातचीत का तरीका सुरुचिपूर्ण और हमारी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। तीसरा है क्रैप्टीमैन कंडेम स्टडीज। क्रैप्टीमैन कंडेम स्टडीज, चतुर लोग अध्ययन की आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, उपेक्षा करते हैं। क्रैप्टीमैन धूर्त लोग, चतुर लोग, कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम। साधारण लोग अध्ययन की यानी किताबी ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। वाइज मैन यूज देम, अब बुद्धिमान आदमी किताब पढ़ता भी है, ज्ञान को अर्जित करता है और उसका दैनिक जीवन में प्रयोग भी करता है। क्रैप्टी मैन कंडेम स्टडीज, चतुर लोग अध्ययन की यानी पढ़ाई की उपेक्षा करते हैं। सिंपल मैन एडमायर देम, साधारण आदमी किताबी ज्ञान की प्रशंसा करता है। वाइज मैन यूज देम, और बुद्धिमान आदमी उसका उचित प्रयोग करता है। मैन फियर डेथ, एज चिल्ड्रन फियर टू गो इन द डार्क। चौथा है मैन फियर डेथ, लोग मौत से डरते हैं। मैन फियर डेथ, लोग मौत से डरते हैं। एज चिल्ड्रन फियर टू गो इन द डार्क, जैसे बच्चे अंधेरे में जाने से डरते हैं, वैसे ही आदमी मौत से डरता है। मैन फियर डेथ, एज चिल्ड्रन फियर टू गो इन द डार्क, लोग मौत से डरते हैं, जैसे बच्चे अंधेरे में जाने से डरते हैं। पांचवा है दी फार्चून इज लाइक मार्केट। दी फार्चून इज लाइक मार्केट वेर मैनी टाइम्स इफ यू कैन स्टे लिटिल दी प्राइस विल फॉल। दी फार्चून इज लाइक मार्केट, भाग एक बाजार की तरह है। वेर मैनी टाइम्स, जहां कई बार ऐसा होता है, इफ यू कैन स्टे लिटिल, आप अधिक दिनों तक माल बेचने की प्रतीक्षा करें, इफ यू कैन स्टे लिटिल द प्राइस विल फॉल, तो इसका मूल्य घट जाएगा। द फॉर्चून इज लाइक मार्केट, भाग्य एक बाजार की तरह है। वेयर मेनी टाइम्स इफ यू कैन स्टे लिटिल, जहां आप अधिक दिनों तक अगर इसका इंतजार करेंगे, माल बेचने की प्रतीक्षा करेंगे, तो इसका मूल्य घटेगा। छठा मैन इन ग्रेट प्लेस आर थ्राइव सर्वेंट्स। मैन इन ग्रेट प्लेस, ऊंचे पदों पर काम करने वाले लोग आर थ्राइव सर्वेंट। तीन तरह के नौकर होते हैं, तीन प्रकार से नौकर होते हैं। मैन इन ग्रेट प्लेस आर थ्राइव सर्वेंट, ऊंचे पदों पर काम करने वाले लोग तीन प्रकार से नौकर होते हैं। सर्वेंट्स ऑफ द सॉवरेन आर स्टेट, राज्य अथवा साम्राज्य है या कह लीजिए राजा के नौकर होते हैं। सर्वेंट्स ऑफ द सॉवरेन राजा के नौकर होते हैं, स्टेट राज्य के नौकर होते हैं। सर्वेंट ऑफ फेम अपनी प्रसिद्धि के गुलाम होते हैं, नौकर होते हैं। एंड सर्वेंट ऑफ बिजनेस और अपने कार्य के भी गुलाम होते हैं, यानी तीन तरह से गुलाम होते हैं। मैन इन ग्रेट प्लेस, ऊंचे पदों पर मनुष्य यानी ऊंचे पदों पर काम करने वाला मनुष्य। मैन इन ग्रेट प्लेस आर थ्राइस सर्वेंट्स, तीन प्रकार से नौकर होते हैं। सर्वेंट्स ऑफ द सॉवरेन आर स्टेट, राजा अथवा यह कहिए कि साम्राज्य का नौकर होते हैं। सर्वेंट ऑफ फेम प्रसिद्धि के नौकर होते हैं। एंड सर्वेंट ऑफ बिजनेस और अपने कार्य के नौकर। ऊंचे पद पर मनुष्य तीन प्रकार का नौकर होता है, राजा का, प्रसिद्धि का और अपने कार्य का। सातवां, रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, बदला एक प्रकार का जंगली न्याय है। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस,
बदला एक प्रकार का जंगली न्याय। आठवां, सर्टेनली इन टेकिंग रिवेंज ए मैन इज बट इवन विथ हिज एनिमी, बट इन पासिंग इट ओवर ही इज सुपीरियर फॉर इट इज ए प्रिंसेस पार्ट टू फर्डर पार्डन इट इज द ग्लोरी ऑफ द मैन टू पास बाय एन ऑफेंस। सर्टेनली इन टेकिंग रिवेंज, वास्तव में प्रतिशोध करने से, बदला लेने से, ए मैन इज बट इवन विथ हिज एनिमी, मनुष्य अपने शत्रु की सहायता करता है, ए मैन इज बट इवन विथ हिज एनिमी, आदमी अपने शत्रु के साथ होता है, मतलब शत्रु की सहायता करता है, बट इन पासिंग इट ओवर, परंतु उसे त्याग देने से, पासिंग इट ओवर, बट इन पासिंग इट ओवर, उसे त्याग देने से ही सुपीरियर, वो श्रेष्ठ बन जाता है, वो ऊंचा बन जाता है। फॉर इसलिए कि इट इज ए प्रिंसेज पार्ट, क्योंकि यह तो राजाओं का काम है, क्षमा करना, राजकुमार राजाओं का काम है टू पार्डन, इसलिए कि क्षमा करना राजाओं का काम है। इट इज द ग्लोरी ऑफ द मैन टू पास बाय एन ऑफेंस, और बुद्धिमानी का काम यह है, इट इज द ग्लोरी ऑफ द मैन, और आदमी का गौरव, आदमी की बुद्धिमत्ता उसी बात में निर्भर है, इट इज द ग्लोरी ऑफ द मैन टू पास बाय एन ऑफेंस, कि वह दूसरों को क्षमा कर दे। Certainly in taking revenge a man is but even with his enemy, but in passing it over he is superior, for it is the prince's part to pardon, it is the glory of the man to pass by an offense। वास्तव में प्रतिशोध करने से मनुष्य अपने शत्रु की सहायता करता है, परंतु उसे त्यागने से वह उसे ऊंचा हो जाता है, क्योंकि यह एक राजा का काम है और बुद्धिमानी का काम है कि हम दूसरों को क्षमा करें। इस तरह से देख रहे हैं कि नैतिकता से भरे हुए इन वाक्यों को जो उपदेशात्मक है एक जगह कलेक्ट किया गया है। थैंक्स।